हेलो स्टूडेंट, वेलकम AIS एकेडमी। आज हम एक क्लास 9 से रिलेटेड टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th का ये फर्स्ट वीडियो है शायद तक मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और 9th क्लास का ही फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 है शायद आप लोगों की चैप्टर मैथ्स का ही, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग यहाँ पर समझाएंगे कि आखिर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। ये भी हमारे लिए एक नई चीज है जो 10th में हम इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, 11th 12th में इसका बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या है कि बहुत बेसिक चीजें देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें होती है, तो वो सारी बेसिक चीजें आज हम पढ़ेंगे। इसके 3 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और 3 टॉपिक्स फुली आपको अच्छे से याद होगा तो आप पूरी एक्सरसाइज कवर अप कर सकते हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन हम देखेंगे, और कन्वेंशन ऑफ अ साइन ऑफ अ कोऑर्डिनेट, ये चीज हम देखेंगे। यदि तीनों चीजें हम कर सकते हैं तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी। यदि आप अच्छे से वीडियोस देखेंगे, बार बार देखिए, जहां समझ में नहीं आए वहां बिल्कुल आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और उस चीज का आपको बाकायदा फीडबैक मिलेगा। तो देखिए, हम बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर क्या होता है, देयर आर 2 परपेंडिकुलर लाइंस, इसमें एक लाइन हॉरिजॉन्टल, एक जो लाइन आपकी क्या परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और जो परपेंडिकुलर होती है वो एक दूसरे को, यदि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरह से जो सिस्टम बनता है वो आपका कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम। अब देखिए यहां पर दो चीजें देखिए, आपने एक्स एक्स डैश लिखा है एक तरफ वाई और वाई डैश लिखा है। यहां पर जो ओ से लेके एक्स तक का जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और ओ से लेके वाई तक का जो फॉर्म होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है और ये भी आपका पॉजिटिव फॉर्म होता है, जबकि ओ से एक्स डैश तक की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी नेगेटिव होती है। उसी तरह से ओ से लेके वाई डैश तक की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या होती है, नेगेटिव फॉर्म में होती है। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर ओ एक्स जो होता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। इसी तरह से ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इसी तरह से ये वाई आपका पॉजिटिव एक्सेस होता है, या इसको पॉजिटिव वाई एक्सेस हम लिख सकते हैं, और इसी तरह से नेगेटिव वाई एक्सेस होता है। ये जो है कार्टेशियन सिस्टम्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जो है ओ से लेके एक्स तक की डिस्टेंस नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये आपकी नेगेटिव, ये आपकी नेगेटिव, ओ एक्स जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, ओ वाई आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन ओ एक्स डेज आपका नेगेटिव होता है, और ओ वाई डेज भी आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये सारी चीजें जो होती है एक कार्टेशियन सिस्टम का एक पार्ट होती है। अब कार्टेशियन सिस्टम यदि हम समझ पाए कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, मतलब जीरो से हम इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव फॉर्म, जीरो से इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए जाएगा, जीरो से वाई साइड यदि जाएंगे तो ऊपर साइड तो पॉजिटिव, लेकिन जीरो से नीचे की ओर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो वाई डैश जो होगा आपका नेगेटिव फॉर्म कहलाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट आपका है, ये था आपका कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हमने देखा कि ओ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, ओ वाई जो होगा पॉजिटिव, लेकिन दोनों के डैश डैश वाली जो चीजें होती है और नेगेटिव एक्सिस कहलाते हैं आपके, लेकिन होते हैं दोनों ही एक्स एक्स और ये वाई वाई होते हैं। अब हम आते हैं कार्टेशियन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम देखेंगे जो चीजें हमने देखी है वही वहां पर भी है, उसी तरह से हम चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपना, नेक्स्ट टॉपिक चाहे तो इसको ना मिटाए तो भी हम समझ सकते हैं। ये जो होता है आपका, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, क्या कहलाता है, वाई कोऑर्डिनेट। अब ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस रहती है ये वाई कोऑर्डिनेट आपका कहलाता है। इसी तरह से
ये जो होता है आपका, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। अब इन केसेस आपको इन दोनों चीजों के साथ साथ यदि यहां पर एक पॉइंट आपको मिल गया, ये पॉइंट आपको सपोज दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं वन, ये लिख दो टू, ये थ्री, ये आपके जो ग्राफ वाले पेज पर आप देखेंगे तो आप अच्छे से इस चीज को बना पाएंगे। इसी तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देखेंगे तो बाकायदा आपको इस चीज अच्छे से समझ आएगी। अब देखिए, सपोज ये वाला जो पॉइंट उसने दिया है आपको, तो यहां से ये डिस्टेंस और इधर से ये वाली डिस्टेंस, तो हमने देखा कि ये दोनों पॉइंट मिलके ये फोर वाई एक्सिस को टच कर रहा है और ये वाला फोर जो है एक्स एक्सिस को आपके टच कर रहा है। तो ये जो है इसकी ये वाली जो चीज होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। देखिए ये वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस काय पे है, वाई एक्सिस पर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पे है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दोनों मिलकर यहां मिलती है, तो ये जो है पहले वाला जो पॉइंट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा आपका, और सेकेंड वाला जो कॉमा आपके लिख सकते हैं उसको बोले वो लिखेंगे क्या, वाई कोऑर्डिनेट आपका होगा। अब ये दोनों चीजें अपन ने लिखा कि एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा था, वाई कोऑर्डिनेट उसके जस्ट बाद लिखाता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो दे रखा है कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो हम बात करेंगे कि यहां पर यदि ये पॉइंट चार को टच कर रहा है, ये भी चार को टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को टच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, चार है, और वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, चार है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, फोर कॉमा फोर है। बाय द वे यहां थ्री को टच करता तो हम लिखते हैं फोर कॉमा थ्री, या यहां थ्री को टच करता तो हम लिखते हैं थ्री कॉमा फोर, इस चीज को लिखते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाता है। और इसके पॉइंट हमने देखे कि ये जो पॉइंट्स होंगे एक्स कोऑर्डिनेट को ये वाले डिनोट करेगा वाई एक्स कोऑर्डिनेट को, और ये वाला डिनोट करेगा आपके एक्स कोऑर्डिनेट को, यहां पर डिनोट कर रहा है। अब थोड़ा सा और हम आगे की ओर जाते हैं, तो हम आते हैं कन्वेंशन ऑफ अ साइन ऑफ अ कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट के अंदर कन्वेंशन साइन की हम बात करेंगे, जो चीजें हमने अभी देखी थी उसी पे हम चलते हैं, और इसी में हम देखेंगे कि इसके साइन में किस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो चीजें हमने देखी थी वही यहां पर भी है। तो देखिए ये आपने देखा था कि नेगेटिव था, ये जो देखा था आपने कि पॉजिटिव वाई एक्सिस था, और ये आपका पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है नेगेटिव। अब यहां देखिए इसके जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो है इसको हमने कौन सा क्वाड्रेंट बोला है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट वाले टॉपिक अपन इसमें एक और जोड़ लेते हैं कि आखिर में क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट, अब क्वाड्रेंट के अंदर देखिए, क्वाड्रेंट के अंदर हमने क्या देखा कि ये जो इस पूरे का वन फोर्थ पार्ट जो होगा वो एक क्वाड्रेंट कहलाता है। वन फोर्थ पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। तो यहां देखिए एक दो तीन चार पोर्शन लिए हमने, चार तो इसका वन फोर्थ कहलाएगा, तो वन फोर्थ जो है इसका एक क्वाड्रेंट होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और लास्ट वाला क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब इस क्वाड्रेंट को हम लिख सकते हैं कि कौन से कहां तक की जो चीज होगी ये क्वाड्रेंट होगा। तो देखिए एक्स ओ वाई जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वाई ओ एक्स डैश आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और एक्स वाई एक्स डैश ओ वाई डैश आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और लास्ट वाला जो आपका है वाई डैश ओ एक्स जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आपके क्वाड्रेंट कहलाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें नई है हमारे लिए, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक्स ओ एक्स जो होगा ये वन फोर्थ पार्ट ऑफ कार्टेशियन सिस्टम्स, ये कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब हम आएंगे कन्वेंशन ऑफ साइन ऑफ अ कोऑर्डिनेट। अब जो क्वाड्रेंट हमने बनाए
अब इसमें देखिए, यहां एक्स जो है इस लाइन पर पॉजिटिव है और यहां पर वाई पॉजिटिव है। हमने अभी सबसे ऊपर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, तो इन दोनों के पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहां जो हम बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है और फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स जो है यहां पर पॉजिटिव है इस लाइन पर और वाई भी इस पर क्या है पॉजिटिव है। तो मतलब यहां पर दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी चीज आपकी क्या होती है पॉजिटिव ही होगी। अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी हमने, हम आते हैं अब इसके सेकंड क्वाड्रेंट के। सेकंड क्वाड्रेंट पे देखिए एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई जो है वो क्या है आपका पॉजिटिव है, तो ये माइनस और ये प्लस फॉर्म होता है। अब थर्ड में हम आते हैं तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस पहले और वाई एक्सिस उसके बाद में लिखा था। हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में देखिए एक्स नेगेटिव भी है और वाई भी आपका नेगेटिव है, तो इसमें ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मतलब दोनों चीजें नेगेटिव होती है। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की क्या कंडीशन होती है कि एक्स तो आपका पॉजिटिव है लेकिन वाई आपका क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से इनके साइन होते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें ऑल नेगेटिव होते हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं। बल्कि जो सेकंड वाला क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, थर्ड वाला क्वाड्रेंट में वाई जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है। अब ये जो कन्वेंशन ऑफ साइन अपन ने देखे, अब इन केसेस आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया, उसने दे दिया माइनस थ्री कोमा टू और आपसे बोल दिया कि किस क्वाड्रेंट में जो है बिलोंग करता है आपको ये बताना है, तो आप इसको कैसे बताएंगे? तो हमारे पास दिया गया फंडा क्या है, हमें देखेंगे कि फर्स्ट ये क्या कह रहा है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब इसमें देखो नेगेटिव पॉजिटिव का है यहां पर है, तो इस कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी माइनस थ्री कॉमा टू होगी और ये कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है, ये कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये आपके थर्ड कोऑर्डिनेट में सॉरी सेकंड कोऑर्डिनेट में आपके बिलोंग कर रहा है। इन केसेस आपको दे दिया उसने कि माइनस फाइव और माइनस फाइव, तो हम देखेंगे कि दोनों चीजें नेगेटिव नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट में है। तो यहां देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट जो होता है दोनों नेगेटिव होता है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा उसमें दी गई डिजिट क्या होगी नेगेटिव ही होगी। अब इन टॉपिक्स को यदि हम पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन भी हम देखेंगे, तो इसी तरह से उस चीज को हम बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में नहीं बिलोंग कर रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिएगा, यदि क्वेरी आती है तो प्लीज मुझे बाकायदा कमेंट्स के अंदर बताइएगा, लाइक करिए शेयर करिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स इसमें मिलती रहे। थैंक यू।